इंडिया का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। तो आज चलो इंडिया के स्कॉटलैंड को विजिट करते हैं। तो आज हम काफ़ी जगह घूमने वाले हैं। तो अभी हम होटल में हैं, जस्ट बस निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, भूख बहुत जोर की लगी है। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम जो जो प्लेसेस विजिट करेंगे सब आपको आगे वीडियो में दिखेगा। तो ये है मेन्यू, चॉइस रेस्टोरेंट में हम लोग आए हैं और सारे साउथ इंडियन डिश हैं। तो देखो आगे क्या ऑर्डर किया मैंने। तो ब्रेकफास्ट आ गया है जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था, गर्मा गर्म पूरी सब्जी हम लोग खाने जा रहे हैं। टेस्ट काफी अच्छा है पूरी सब्जी का, चाय भी अच्छी है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं राजा सीट की तरफ। हम राजा सीट पार्क पहुंच चुके हैं और हमने ये टिकट ले ली है, जो कि टिकट पड़ी है 20 रुपीज की, 10 रुपीज एक पर्सन की है। तो हम और राजू दो लोग हैं, तो 20 रुपीज पड़ा है। तो चलो हम लोग अंदर चल के देखते हैं राजा सीट पार्क कैसा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, एंट्री करते हैं राजा सीट के अंदर। बगल में टिकट काउंटर है, टिकट ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 10 रुपये की टिकट है। तो अभी हमें इन्हें चेक कराना पड़ेगा। तो टिकट चेक हो गई है, अब हम एंटर कर चुके हैं अंदर। ओके, तो बहुत सुंदर लग रहा है यार, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि मैंने पिक्स में देखा था और वीडियोस में देखा था, उससे ना कई ज़्यादा खूबसूरत मुझे अपनी आंखों से नज़र आ रहा है। और मैं जितना कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकूँ हर एक चीज़ को अच्छे से। तो गार्डन तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। तो जिनको फ्लावर से बहुत ज़्यादा प्यार है, जिनको गार्डन में जाना बहुत पसंद है, तो वो ज़रूर आ सकते हैं। और यहाँ पे मतलब पिक्स क्लिक करने लायक बहुत अच्छी जगह है, मतलब काफ़ी सारी फ़ोटो वगैरह आप क्लिक कर सकते हो, वीडियोस वगैरह बना सकते हो, तो बहुत अच्छी पिक्चर्स आने वाली हैं यार सच में। तो मैं तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पिक्चर्स क्लिक करने का तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं तो काफ़ी इन्जॉय करने वाली हूँ। और आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, आप देख रहे हो और बड़ा ही प्यारा है, मतलब सुंदर लग रहा है। तो आप ये देखो स्नेक कितनी खूबसूरती से मतलब लिपटा हुआ है उसमें, मतलब हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बनाई गई है। तो गार्डन बहुत अच्छा है, क्लीन भी है, टिकट भी जो एंट्री फीस भी है वो भी बहुत कम है, सिर्फ 10 रुपये। तो 10 रुपये में इतनी अच्छी जगह आपको अगर घूमने को मिल रही है तो बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर आप कुर्ग आ रहे हैं तो ज़रूर राजा सीट आइएगा। तो आज मेरा फर्स्ट डे है कुर्ग में, तो मैं पहला प्लेस मेरा यही है राजा सीट, जहाँ पे मैं आई हूँ। और मैं एक्चुअली ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी ही थी, बट मैं एक अलग ही व्यू के लिए यहाँ पे आई थी, जो व्यू मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। इतना खूबसूरत कि आप बोलोगे यार सच में क्या प्लेस है। तो फ्लावर्स वगैरह तो बहुत अच्छे हैं, पूरा गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है, बहुत ही कम एंट्री फीस है। तो और बहुत काफ़ी दूर में बना हुआ है और बहुत दूर दूर पे मतलब ये एनिमल स्टैचूज बने हुए हैं, जो कि और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। तो चलो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं मैं किस व्यू के लिए यहाँ पे आई थी। तो इधर काफ़ी सिटिंग का है, आप अपना आराम से बैठ करके देख सकते हैं। तो ये है वो व्यू जिसके लिए मैं यहाँ पे आई थी। तो यार कसम से जितना वीडियो और पिक्चर में नहीं मुझे देखने को मिला, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे अभी फील कर रही हूँ। सच में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो अगर आप वीकेंड में, अगर आपकी वीकेंड 2 डेज़ का वीकेंड रहता है, सैटरडे संडे, तो आप ज़रूर आइए और विज़िट करिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं घूमने का तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और मतलब बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हो ना माउंटेन वगैरह कैसे पूरा कवर है, फॉग से पूरा कवर है, तो वो एक अलग ही व्यू आ रहा है। तो मैं तो बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे क्लिक करूँगी, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी और वीडियोज़ वगैरह मस्त मस्त आने वाले हैं। तो जगह बहुत ही अच्छी है यार। तो कुर्ग आ रहे हैं तो ज़रूर राजा सीट विज़िट करें, आई रिकमेंड यू गाइज। मैं कितना कैप्चर कर सकती हूँ वीडियो में, मैं उतना कैप्चर करके दिखा रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, बहुत ऊपर से नज़ारा मैंने ले लिया, तो मैं स्पेशली इसी नज़ारे के लिए यहाँ पे आई थी, क्योंकि मैंने देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी जगह है, तो चलो जाते हैं घूमते हैं जा करके। तो आप देखो आपको कैसा लग रहा है ये व्यू,
सच में ना मतलब लग रहा है कि क्या मतलब मजा आ गया यार, सच में मैं क्या बोलूं, वाओ। तो ये पता है उधर काफी दूर तक बना हुआ है, तो हम उधर तक भी जाएंगे और जरूर दिखाएंगे आपको। एक्चुअली वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने काफी हद तक काफी चीजें आपको दिखा दी हैं। जो मेन था वो मैं चाहती हूँ कि आपको दिखाऊं, और ये जो साइड में मैंने आपसे बात की तो ये है साइड में ये सब बने हुए हैं, बहुत अलग अलग एनिमल स्टैचू हैं, तो आप अच्छे से फोटो भी क्लिक कर सकते हो। तो ओवरऑल राजा सीट बहुत अच्छा है और आप आ सकते हो। मैं मॉर्निंग में आई हूँ तो क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, तो क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मार्च का सीज़न है, मैं मार्च में भी आई हूँ तो क्लाइमेट तो बहुत अच्छा है और फोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी क्लिक हो सकती हैं। क्लीन है, आराम से इधर आप बैठ करके देख सकते हो पहाड़ों को और अच्छे से नज़ारा ले सकते हो। ये लॉयन पे फोटो क्लिक करूँ क्या मैं, जाके देखती हूँ एक बार। अच्छा ठीक है तो ये है, हम बाहर निकल चुके राजा सीट से। तो राजा सीट के बाहर की ये छोटी सी थोड़ी सी मार्केट है सामने, और इधर आप सामने देखोगे जहाँ पे आपको ये पहाड़ नजर आ रहे हो उधर एक ब्लू कलर का बोर्ड है, वहां पे भी कॉटेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो अभी मार्केट में मैं भेलपूरी मैं ट्राई कर रही हूँ, तो अच्छी है यार, टेस्ट अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं। तो ये था राजा सीट, कैसा लगा आप लोग को वीडियो? मैं एक्चुअली कोशिश कर रही थी और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से लाइक करो, बाय।